दोस्तों स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के टाइम में सभी के पास में स्मार्टफोन है और जब भी आप किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन एंड्रॉयड फ़ोन अगर आप चलाते हैं तो उसको चालू करने के लिए आपके मोबाइल फ़ोन में जो है प्ले स्टोर को सबसे पहले एक्टिवेट करना पड़ता है। उसके लिए जीमेल लगता है और जैसे आप जीमेल डाल करके अपना प्ले स्टोर को एक्टिवेट कर लेते हैं उसके बाद फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन में सारा सर्विस को यूज कर पाते हैं और जो भी आपको ऐप इंस्टॉल करने का ज़रूरत पड़ता है आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूरत के हिसाब से ऐप को इंस्टॉल करके अपने मोबाइल फ़ोन में चला पाते हैं, गूगल क्रोम को चला पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि गूगल आपका जो भी वॉइस है, जो भी आप बातचीत करते हैं, सभी को वो सुनते रहता है। तो आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन में इस सेटिंग को ऑफ करके रख सकते हैं ताकि आपका गूगल जो है कुछ भी बात नहीं सुन पाए। यदि आप जानना चाहते हैं इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। गूगल में सेटिंग को ओपन कर लेना, चाहे आप किसी भी कंपनी का मोबाइल फोन चलाते हो। यहाँ पे आपको सेटिंग में गूगल लिख करके सर्च कर देना। जैसे आप गूगल लिख करके सर्च करिएगा यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन दिखाई देगा। नीचे में आइएगा, ढेर सारा ऑप्शन दिखने को मिल। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलेगा गूगल एक्टिविटी, तो सीधा आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आप जितना भी ईमेल आईडी आप यूज करें अपने मोबाइल फोन में एक से ज़्यादा, तो जो भी आपका मेन अकाउंट है जिसमें कि आप प्ले स्टोर में लॉगिन किए हुए वो आपको आईडी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर एक रहेगा तो आपको डायरेक्ट ये ओपन हो जाएगा, आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। अब आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस तरीके से इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख रहे काफ़ी सारा ऑप्शन आप सभी को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको वेब ऐप एंड एक्टिविटी का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सीधा आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आप सभी को दिखाई देगा। ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलेगा इंक्लूडेड वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटी, इसमें जो है टिक लगा हुआ रहता है तो आपको क्या करना है इसको अनटिक कर देना है। इस तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें टिक लगा हुआ है तो इसको क्या करना है एक बार इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा एक इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे नीचे के साइड में आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा देगा आपको स्टॉप सेविंग का, तो सीधा आपको स्टॉप सेविंग के ऊपर में क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक ऑप्शन फिर से दिखा देगा गॉट इट का, तो सीधा आपको गॉट इट के ऊपर में क्लिक कर देना। अब देखिए ये जो वॉइस एंड ऑडियो वाला जो एक्टिविटी था मेरा वो ऑफ हो चुका है। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में वॉइस ऑडियो एक्टिविटी को बंद कर सकते हैं ताकि आप जो भी बातचीत करिए गूगल आपको ट्रैक नहीं कर पाए। तो आप दोस्तों मैं सही तरीके से आप सभी को समझा पाए, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिए यदि आपको नहीं समझ में आया हो, कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का पूरी तरीके से रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैं सही तरीके से समझा पाए कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी कंपनी का अगर आप मोबाइल फ़ोन चलाते हैं तो कैसे सेटिंग को बंद कर सकते हैं ताकि गूगल आपका कोई भी कुछ भी नहीं सुन पाए। यदि ये जानकारी आप सभी के काम का हो, यदि ये जानकारी आप सभी को सही लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। इसी अपडेट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे थे डिजिटल समाधान।